आज सदर बाजार लोहड़ी गेट प्राइड दिल्ली बसंत कश्मीरी गेट। तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। गाइस आज आपको चांदनी चौक पुरानी दिल्ली की सैर कराते हैं। सदर बाजार से पुरानी दिल्ली चांदनी चौक के ओर मैं जा रहा हूँ, पास में ही है, लगभग 1.5 किलोमीटर। थोड़ा बहुत शॉपिंग करी थी सदर बाजार से, थोड़ा बहुत चांदनी चौक से कुछ आइटम लेने हैं। तो इससे पहले मैं बहुत सूट नहीं करा क्योंकि गर्मी हो रही काफ़ी भयंकर। अभी जो है मौसम प्यारा सा हो गया, बारिश होने वाली है, तो सोचा जब जा ही रहे हैं आगे तो ठीक है ना, ब्लॉग शूट करते हुए निकले। घंटी नहीं है क्या आपके पास? घंटी खराब है। चलो सदर बाजार से पुरानी दिल्ली चांदनी चौक। तो बहुत जाम हो रहा है आगे। दूसरा नहीं है कोई? इधर तो पैदल ही जाना मुश्किल लग रहा है। ये जीपी रोड वाला है क्या? जीपी रोड है। तो गाइस सदर बाजार में आया होता है और सदर बाजार से अभी चांदनी चौक की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ऐसी जगह पे अभी मैं पहुँचा हुआ हूँ जिस जगह के बारे में शायद ही कोई बात करना चाहेगा, यानी कि कोई भी बात नहीं करना चाहता है, बट आज हम लोग इस जगह के बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये जो जगह इसे बदनाम गली के नाम से भी जाना जाता है, बट क्यों ये गली इतनी बदनाम है और इतनी बदनाम होने के बाद भी क्यों इस गली का अस्तित्व है अभी भी, वो भी दिल्ली शहर के बीचों बीच, वह सब मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यार ये है वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे नॉर्मली देखने पे तो ये एक बिजी मार्केट लग रही है, यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर की शॉप्स हैं। तो इस जगह का नाम है जीपी रोड, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया जीपी रोड। गाइज यार ऑफिशियली तो इस जगह का नाम स्वामी श्रद्धानंद मार्ग है, बट अजमेरी गेट और लाहौरी गेट के बीच की इस जगह को हर कोई जीपी रोड के नाम से जानता है। क्यों इसे जीपी रोड के नाम से जाना जाता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल आप देख रहे हैं सामने जो बिल्डिंग है, इसकी फर्स्ट फ्लोर पे तो दुकानें वगैरह हैं, बट उसके ऊपर के जितने भी फ्लोर हैं सभी में कोठे बने हुए हैं। ये जो जगह है इसे मुगलों ने बसाया था। उस टाइम पे मुगलों की राजधानी जब आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुई तो उस टाइम पे यहाँ पे शाहजहानाबाद इस जगह को बोलते थे, इस शहर को, और यहाँ पे लगभग 5 कोठे हुआ करते थे अलग अलग जगहों पर। बट जब अंग्रेज यहाँ आए तो अंग्रेजों ने इन 5 कोठों को मिलाकर एक जगह पर प्लेस किया और उसका नाम रखा उसी अंग्रेज के नाम पर जिसने इस जगह को बसाया था, उसका नाम था गास्टन बास्टन। वो फिर उसी के नाम से शॉर्ट फॉर्म गास्टन बास्टन के नाम से इस जगह का नाम जीपी रोड रखा गया। ये सामने आप जितने भी मकान देख रहे हैं ये बहुत पुराने बने हुए हैं और कई मकान तो जर्जर हालत में है अभी, और इनके जो ऊपर के फ्लोर हैं उनमें कोठे बने हुए हैं, तो ऐसे में जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके लिए काफ़ी रिस्की है। यहाँ की जो सच्चाई है उसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी तरह कोई हमारे समाज से उठ के लोग आए हुए हैं, किसी गलत तरीके से फंसा के लोगों को लाया गया है यहाँ पे, या फिर कोई अपनी मर्जी से तो शायद ही कोई आया होगा, बट ज़्यादातर लोगों को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू लोग यहाँ पे पहुँचाए गए हैं। काफ़ी सारी बच्चियाँ जिनको पहला फुसला करके अच्छी शिक्षा अच्छी जॉब देने के बहाने लाया जाता है और फिर यहाँ काल कोठरी में डाल दिया जाता है। वहाँ पर फिर उन्हें मारा पीटा जाता है और ना उनको खाना दिया जाता है, फिर मजबूरन उन्हें इस धंधे में आना पड़ता है, और फिर एक बार जो यहाँ आ जाता है फिर वो यहाँ से जा नहीं सकता है क्योंकि जो भी भागने की कोशिश करता है उसे मारा पीटा जाता है और कई लोगों की तो मौत भी हो जाती है, और फिर उनकी मौत के बाद कोई भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो ऐसे में मतलब रूह कबा देने वाली यहाँ की कहानी जो है यहाँ के लोगों की। विडम्बना देखिए, यहाँ पर इसी जगह पर आसपास में 3 पुलिस स्टेशन है और संसद भवन यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, उसके बाद भी यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। सामने आप देख रहे हैं ये लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन है, पता नहीं फिर भी कैसे यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और कैसे ये धंधा चल रहा है। अभी यहाँ पे एक पिंक बूथ बनाया गया है जिसमें जो महिलाएँ या औरतें जो यहाँ से बाहर आना चाहती है खुद से इस धंधे से जो बाहर आना चाहते हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है, और उसके अलावा रोजगार जैसे सिलाई बुनाई और उसके अलावा कंप्यूटर कोर्स भी उनको कराए जाते हैं यहाँ पे। तो पिंक बूथ जो है अभी इनको सोसाइटी में थोड़ा सा चेंज लाने की एक पहल है। तो ये लोग जो है अपने समाज के बीच में से ही जाके यहाँ आए हुए मजबूरी में, तो फिर जो चाहता है यहाँ से बाहर निकलना उसके लिए गवर्नमेंट और कई सारे NGO काम कर रहे हैं, बट इस जगह को पता नहीं क्यों अभी सीधे यहाँ से बैन नहीं किया जा सकता है। कई सालों से कई मुगलों के टाइम से ये जगह है और इसे बंद तो नहीं कर सकते, बट जो लोग यहाँ से बाहर आना चाहते हैं उनकी जरूर यहाँ पे गवर्नमेंट और काफ़ी सारे NGO उनकी हेल्प करते हैं।
आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी तो भीड़ भाड़ काफ़ी कम नज़र आ रही है, बट यहाँ की जो असली बाजार है, असली जो मेला है, वो शाम को लगता है यहाँ पे। वैसे तो यार कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता है, बट मैं सोचा जब आए हैं क्यों ना कुछ बात कर ली जाए इस बारे में। अब आप समझ सकते हैं इंडिया में जब आज के इस मॉडर्न ज़माने में भी सेक्स एजुकेशन पे भी बात करने में लोग डरते हैं, तो फिर इस धंधे के बारे में, प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति के बारे में बात करना फिर एक पाप कहा जाएगा। बट कोई ना, जब आए हैं तो बात कर लेते हैं इस बारे में। यहाँ की जो सच्चाई जान के आपकी रूह कांप जाएगी। बड़े बुरे हाल में ये लोग रहते हैं यहाँ पे, और हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट बस हमें अगर इनकी हेल्प करनी है तो हम लोग बस अपना नज़रिया चेंज कर सकते हैं इनके बारे में, क्योंकि ये लोग भी हमारी तरह आम इंसान है जो किसी न किसी मजबूरी में यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो कोई एलियन तो है नहीं है, ये भी हमारी तरह हमारे सोसाइटी से ही यहाँ पे आए हुए हैं। किसी को गलत तरीके से यहाँ पहुँचाया गया, किसी को बहला फुसला के जॉब देने के बहाने, छोटी छोटी बच्चियों को जब कभी कोई डिजास्टर होता है तो ऐसे में जो बच्चियाँ अनाथ हो जाती है उन्हें बहला फुसला के यहाँ पे लाया जाता है। कहा जाता है करीब 1,00,000 लोग हर साल इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं, और उसी में से काफ़ी सारी बच्चियों को यहाँ पे लाया जाता है। तो यार चलिए, अभी मैं ब्लॉग तो बना था चांदनी चौक के लिए, बट अभी रास्ते में ये जो जगह मिल गई थी इसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी फिलहाल अभी मौसम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा ख़राब, बारिश आने वाली है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर मौसम सही रहा फिर आगे चांदनी चौक का व्यू मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में अपना भी ओपिनियन बताइए इस जगह के बारे में, क्या है क्यों है और क्या होना चाहिए, वो सब आप ज़रूर बताइए। अचानक से आते हुए ये जगह दिखी थी, तो मैंने जितना इस जगह के बारे में पता था वो सब मैंने बताया। बाकी चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू सून।